अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल डायरीज बाय चांदनी। सो आज हम लोग जा रहे हैं हज़रतगंज। हज़रतगंज में हमें कुछ काम था। एक तो घर का ही फ़ोन है, आईफोन 13, तो उसमें कुछ इशू आ रहा है जो बार बार रिजॉल्व नहीं हो रहा है। वो अभी 9 मंथ हुए उसको लिए हुए, वो वारंटी में है। तो वी डिसाइडेड टू गो टू द सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर जाके हम लोग ने सोचा कि उसको मतलब उसको थोड़ा सा रिपेयर करवा दें। तो हम लोग गए थे सर्विस सेंटर। चलिए आप लोग भी, मैंने सोचा कि चलो व्लॉग बनाते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा एप्पल के सर्विस सेंटर में। हम लोगों ने बहुत लोगों से कहा, घर में सबसे बोला कि हमें ले चल के छोड़ दो हज़रतगंज। कोई भी फ्री नहीं था ले जाने के लिए, तो वी टुक एन ऑटो और हम लोग आ गए हैं गंज में। हम लोग के घर से गोमती नगर से हज़रतगंज बहुत ही नज़दीक है, बस हार्डली 20 to 25 मिनट्स लगते हैं पहुंचने के लिए। तो वो बस हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ से ही मैं थोड़ा सा शूट करते हुए चल रही हूँ। जो भी शोरूम्स हैं यहाँ पर एंट्री करते हुए, मोस्टली सारे ब्रांड्स अच्छे सारे शोरूम्स मिलेंगे आपको हज़रतगंज में। हज़रतगंज माशाल्लाह वो है, दिल है पूरा लखनऊ का। और यहाँ की शाम बहुत ही हसीन होती है, माशाल्लाह बहुत प्यारी होती है। तो यहाँ पे बाहर बाहर से भी घूमने आते हैं जो लोग, तो हज़रतगंज चेकआउट करते ही करते हैं। अभी रक्षाबंधन था, वेडनेसडे को था और हम आज कहते हैं मंडे। तो स्टॉल्स लगे हुए थे, उसके राखी के भी बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे और बहुत सारे मतलब शोरूम्स। एंड रात में तो इवनिंग में तो यहाँ पे क्राउड भी बहुत होता है। और थोड़ा आज कम था, जब हम लोग गए हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, बहुत कम क्राउड था। रक्षाबंधन भी थी तब भी बहुत ज़्यादा कुछ क्राउड नहीं था उसमें। और यहाँ पे देखिए आधा बीबा डब्लू और बहुत सारे ऐसे शोरूम्स थे जो आपको शायद मॉल्स में ही मिले और ऐसे कहीं भी नहीं मिले ये शोरूम्स। तो यहाँ आज़ादगंज में सारे शोरूम्स, ब्रांडेड शोरूम्स आपको मिल जाएंगे। और आगे देखते रहिए और मैं इसमें बीच बीच में आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या ब्रांड्स हैं और क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा एप्पल सर्विस सेंटर में। यहाँ से जब हम एंटर करते हैं गंज, तो वहाँ से 1 किलोमीटर लगता है हमें सर्विस सेंटर जाने के लिए, UNI का सर्विस सेंटर। उसका पहले साथ में ही था शोरूम एंड सर्विस सेंटर, पर अभी तो उसको सर्विस सेंटर अलग कर दिया गया है, हलवासिया बिल्डिंग में सर्विस सेंटर कर दिया। और जो शोरूम है वो मेन हब है, जो हज़रतगंज मार्केट है उसमें ही है UNI का स्टोर। तो इस तरीके से हम लोग एंटर हुए थे। ये बैग्स का स्टॉल लगा हुआ था, पहले ये भैया नहीं लगाते थे, ये अभी रिसेंट आया है। बहुत ही ब्रांडेड और बहुत ही जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं उनकी कॉपी है। बहुत ही अच्छे रिजनेबल प्राइस पे बैग्स दे रहे थे भैया, पर कॉपी ही रहता है खैर, और जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही रहता है, वो पता चल जाता है। बट तब भी अगर आप यूज़ करने के लिए ऐसे ही लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे स्टडी बैग्स थे, बहुत ही अच्छे बैग्स थे, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। मुझे ये अच्छा लग रहा था। ये भैया 1100 का दे रहे थे, 1500 का दे रहे थे, 1100 आफ्टर डिस्काउंट ये दे रहे थे भैया। और इसके जो छोटे वाले थे ऊपर टंगे हुए हैं वो थे 800 के, ये वाले बैग्स, ये 800 के बैग्स थे, पर अच्छे थे, क्वालिटी भी ठीक थी बैग्स की। ये कॉपी LV की, फर्स्ट सेकेंड नहीं लास्ट कॉपी होगी, पर बैग्स अच्छी क्वालिटी के थे, क्वालिटी अच्छी थी बैग्स की। यहाँ पर जो नीचे थे बड़े वाले वो 1100 समथिंग के थे और जो छोटे थे वो 800 समथिंग के थे बैग्स। रॉयल कैफे के जस्ट सामने स्टॉल लगा हुआ था भैया का, ये
सिंध का शोरूम है। यहाँ बता रही हूँ जितने भी ब्रांडेड शोरूम्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और फिर मोबाइल एक्सेसरीज और ये सब गार्ड और जितने भी ग्लासेस ये सब मिल जाएंगे यहाँ पे। और बहुत ही ट्रेंडी सामान मिलता है सिद्धगंज हज़रतगंज में। आपको अगर बहुत ही ट्रेंडी लेना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। इयररिंग्स वगैरह, कुर्ती और टॉप्स, अब तो कोट सेट्स भी मिल रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे थे, बहुत रिजनेबल प्राइस में वो कोट सेट्स भी थे और कुर्तीज़ और बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस थे। फिर हम लोग ये पहुंच गए थे UNI शोरूम जो हज़रतगंज में ही था। पर यहाँ से हमें पता चला कि शिफ्ट हो गया है सर्विस सेंटर। फिर हम लोग हलवासिया बिल्डिंग है जिसके थर्ड फ्लोर पे, ये देखिए ऊपर UNI का सर्विस सेंटर है, थर्ड फ्लोर पे हमें जाना था। तो मेन गेट से नहीं जाना था, उसके बैक साइड से लिफ्ट है, लिफ्ट लेकर हम लोग गए थे थर्ड फ्लोर पे जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर। और सुजैन तो एज़ यूजुअल लिफ्ट में बैठी और बोल रही थी कि चलिए मामा अब हम लोग आ गए लुलू मॉल। इनको कहीं भी लिफ्ट मिलती है तो इनको लुलू मॉल ही जाना होता है। तो ये देखिए सामने ही था सर्विस सेंटर इसका। बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही मतलब लाइक बहुत वार्म वेलकम दिया था इन लोगों ने। बहुत अच्छे से सारे हम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। ये एक्चुअली फ़ोन के हार्डवेयर में प्रॉब्लम थी, तो वो बोल रही थी कि आप फ़ोन हमें दे दीजिए और हम आपको 7 वर्किंग डेज़ में वापस करेंगे। ये जाएगा फ़ोन बेंगलोर और वहाँ से जब आएगा फिर आपको कॉल किया जाएगा, आप लेके जाएंगे फिर। तो अभी डाटा भी नहीं, हम लोगों ने बैकअप लिया था, कुछ डिसाइड भी नहीं किया था। तो वी डिसाइडेड टू गो टू द होम और घर जाके सबसे बात करके फिर एक फाइनल डिसीज़न लेके किसी को भेज दिया जाएगा। I mean या तो फिर सुजैन के डैडी या कोई भी आ जाएगा तो दे देगा फ़ोन लाकर सर्विस सेंटर में। और फिर 2 दिन में रक्षाबंधन भी था तो फिर भी ये सर्विस सेंटर में बैंगलोर ये लोग ना भेजते। तो अभी ये हुआ कि चलो फ़ोन रखते हैं, 2 दिन बाद हम लोग इसको भिजवा देंगे। इस तरीके से फिर यहाँ जब हम लोग वापस आ गए थे तो ये लेन थी लव लेन की, हम लोगों ने सोचा कि चलो चेकआउट कर लेते हैं। लेना ऐसे कुछ नहीं था लेन से, पर बस चेक किया था देखने के लिए कि क्या क्या ट्रेंडी है, क्या क्या नया आया है मार्केट में। तो बस यही क्रॉप टॉप्स और बैगी जीन्स ये सब ट्रेंड में है। और कुर्तीज़ में कुछ ढीली डाली, थोड़ा सा फ्लो वाली फ्लोई चीज़ें आजकल ट्रेंडी हैं। और कोट सेट्स ट्रेंडी हैं, और कोट सेट्स तो बहुत ट्रेंडी है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है आजकल। और सुजैन थोड़ा सा थक गई थी, बोल रही थी अब घर चलिए मम्मा अब घर चलिए। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, बस ऐसे ही जाकर एक पूरी लेन एक्सप्लोर कर दी थी, जाकर देख आई थी कि क्या क्या मतलब अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पर तो फुटवेयर, जीन्स, ट्राउजर्स, बैग्स सब बहुत अच्छा मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आपको हाई रेट बताते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे बहुत ही ट्रेंडी चीज़ें मिलती हैं लव लेन में। मेरा तो है कि मैं आती रहती हूँ लेने के लिए, पर अभी इधर कुछ दिनों से मैं नहीं आई थी। बस इवनिंग में आना होता था गंज ऐसे ही घूमने के लिए, सब आते थे आइसक्रीम खाने रात में, वो भी लव लेन नहीं आते थे। बस लव लेन आ जाई हूँ और ऐसे ही चेकआउट किया। सुजैन इरिटेट हो रही थी थोड़ा सा, ये कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये दिस वन। तो ये कुर्ता अराउंड 800 के बता रहे थे, तो कुर्ते की क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस ज़्यादा लग रहा था मुझको, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। और ये भैया डिस्काउंट भी नहीं दे रहे थे, कहाँ भाई लव लेन में 250-300-500 तक की अच्छे कुर्ते मिल जाते थे और अच्छे टॉप्स मिल जाते थे। अभी तो भैया मतलब ये जो शॉपकीपर्स होते हैं कम ही नहीं करते रेट, और क्वालिटी भी कुछ खास नहीं थी। फिर उसके बगल लव लेन के जस्ट बगल में ही हेज़लनट फैक्ट्री है, तो एज़ यूजुअल सुजैन को तो पेस्ट्री खानी ही होती है, तो हम लोग चले गए थे हेज़लनट पेस्ट्री खाने के लिए। तो
ये देखिए, इनको चॉकलेट पेस्ट्री लेनी थी। पेस्ट्री का क्या नाम था? ड्रस्ट रफल, आई थिंक सो। हाँ, ड्रस्ट रफल इन्होंने खाई थी, बहुत इन्जॉय किया था। सुजैन तो हर जगह इन्जॉय करती हैं। हाँ, हम लोग थक जाते हैं यूजुअली जब इनके साथ में जाते हैं। इन्जॉय बहुत करते हैं, नो डाउट, बहुत मज़ा आता है सुजैन के साथ में। पर अब इसको हर जगह लेके जाना, तो ये समझ गई है कि मुझे सिर्फ मेरी ये चीज़ें लेनी है और सिर्फ मुझे ही फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए बाहर, जब हम बाहर आउटिंग के लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, क्योंकि मुझे ये नहीं देखने देती है कि मुझे मम्मा को भी कुछ लेना है या नहीं लेना है। तो इस तरीके पर अब इनके बगैर जा भी नहीं सकती, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है। अगर किसी और के बच्चे हैं, उनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो क्या करें मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल तो मुझे बहुत मज़ा आया, थोड़ी सी आउटिंग की हम लोगों ने, और इस तरीके से ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। होप आपको भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और ये हेज़लनट का अंदर का व्यू है पूरा, यहाँ पे ही सब बैठ के खाते हैं। बाहर भी है सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा, हाँ, अगर कोई बाहर बैठना चाहता है तो वो भी बैठ सकता है। और ये भैया यहाँ पे स्टॉल्स का, मतलब वो सेल कर रहे थे स्टॉल्स, तो वो अलग देख रही थी। ऐसे ही बस हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया और बहुत मज़ा आया, थोड़ा बहुत कुछ खाया। एंड हम लोग ने जो लगंज को बाय बाय किया एंड वी वेंट टू द होम। बहुत मज़ा आया, रक्षाबंधन था तो राखियाँ भी ले ली, तो फिर साथ में ही सारे काम हो गए और वी इन्जॉयड अ लॉट। होप यू इन्जॉयड अ लॉट दिस वे दिस व्लॉग। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और मैं इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।